नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। अबू धाबी T10 लीग में रविवार को 3 मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में रोमन पावेल, एविन लुइस, निकोलस पुरन और टीम डेविड जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का जबरदस्त खेल देखने को मिला। वहीं सुरेश रैना की टीम ने शानदार जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। पहले दिन के तीसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं। डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने दिल्ली बुल्स को 18 रनों से मात दी। पहले खेलते हुए डेक्कन की टीम ने 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर 140 रन का स्कोर बनाया। डेक्कन की तरफ से सलामी बल्लेबाज टॉम कैडरमोर ने 33 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के लगाते हुए नाबाद 82 रन बनाए। इसके बाद कप्तान निकोलस पुरन ने भी 17 गेंदों पर नाबाद 34 रन की पारी खेली और स्कोर को 140 तक पहुंचाया। इस मैच में जेसन रॉय ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर इमाद वसीम की गेंद पर आउट हुए। वहीं आंद्रे रसल ने भी नाबाद 10 रन बनाए। आपको बता दें कि सुरेश रैना भी इसी टीम में है, लेकिन उनकी इस मैच में बैटिंग नहीं आई थी। इसके बाद चेस करते हुए दिल्ली बुल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले 2 विकेट केवल 3 ओवर में ही गिर गए थे। उसके बाद कप्तान राइल रूसो ने और टीम डेविड ने मिलकर कोशिश की, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाए। टीम डेविड ने 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 24 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली और रूसो ने 28 रन बनाए और इस तरह दिल्ली बुल्स की टीम 10 ओवरों में 4 विकेट खोकर 182 रन ही बना पाई। वहीं अगर पहले मुकाबले की बात करें तो नॉर्दर्न वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को 6 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए बंगाल टाइगर्स ने 10 ओवरों में 4 विकेट खोकर 117 रन बनाए थे। इसके बाद चेस करते हुए नॉर्दर्न वॉरियर्स ने 4 गेंद शेष रहते ही 118 रन का स्कोर बनाते हुए इस मुकाबले को अपने नाम किया। कप्तान रोमन पावेल ने महज 28 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए। उनकी पारी में 9 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। इसके बाद दूसरे मुकाबले में चेन्नई ब्रेव्स ने 10 ओवरों में 105 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से डेविड मलान ने 20 गेंदों पर 32 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए सैम्स आर्मी ने 9.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 107 रन बनाकर जीत हासिल की। करीम जन्नत ने 28 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने भी 17 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।